प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न छठवां कहता है, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगक्षम त्रिभुज ए सी डी है, यहाँ पर समरूपता की बात नहीं हो रही है, सर्वांग क्षमता, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई, देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई सर्वांगक्षम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। जो सर्वांगक्षम त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई यहाँ पर दिया गया है सर्वांगक्षम त्रिभुज ए सी डी, तो जो त्रिभुज ए बी ई की भुजा ए बी है उतनी ही भुजा त्रिभुज ए सी डी की भुजा ए सी होगी, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी भुजा और ए ई बराबर हो जाएगी भुजा ए डी के, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगक्षम त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं होती हैं एक ही अनुपात में, तो यहाँ पर त्रिभुज में दर्शा देते हैं ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर ए सी है, जो भुजा ए बी है उतनी ही भुजा ए सी है, और ए ई बराबर है ए डी, जो ए ई भुजा है वो ए डी के बराबर है, ए ई बराबर ए डी है और ए बी बराबर ए सी है, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी में चूंकि सर्वांगक्षम त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर हमें दर्शाना है त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगक्षम त्रिभुज ए सी डी, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, तो ये हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे हम उत्पत्ति कर लेते हैं, तो यहाँ पर उत्पत्ति में देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया है, क्योंकि ये दोनों सर्वांगक्षम जो त्रिभुज हैं उनकी भुजाएं हैं, तथा और यहाँ पर दिया हुआ है ए डी बराबर ए ई, तो ये भी हमें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई, चूंकि हमें समरूपता सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुजों में ए डी ई और ए बी सी, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर ले लिए हमने त्रिभुज। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो त्रिभुज जो यहाँ पर ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं जो ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई है, क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई है, तो यहाँ पर हम भुजाओं को एक अनुपात में इस प्रकार ले सकते हैं कि ए बी बटे ए डी, बराबर ए सी बटे ए ई, इस प्रकार हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं वो एक ही अनुपात में यहाँ पर हो गई, कि ए बी बटे ए डी, ए बी सी की भुजा ए बी और ए डी ई की भुजा ए डी, इसी प्रकार ए सी बटे ए ई, ये यहाँ पर बराबर में हो चुकी हैं, दो भुजाएं यहाँ पर एक ही अनुपात में हो चुकी हैं। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई में देखेंगे तो कोण जो ए है वो कोण दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, तथा कोण ए बराबर कोण ए, ये यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने उभयनिष्ठ कोण है। अब यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर समरूपता हो जाएगी यहाँ पर भुजा कोण भुजा से, अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी से, भुजा कोण भुजा साइट एंगल साइट समरूपता से, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व होता है, तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।